कनौली में मतदाता यमुना नदी में टायर ट्यूब से तैरकर 3 किलोमीटर दूर वोटिंग करने पहुंचे। देखिए उमेश त्यागी की एक खास रिपोर्ट। हमें समाल का विधानसभा के गांव मिर्जापुर रहीमपुर खेड़ी, जहां पर यमुना नदी के टापू पर बसा है गांव रहीमपुर खेड़ी, जो यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और यह अपने वोट डालने के लिए गांव मिर्जापुर के अंदर जो पोलिंग बूथ है वहां पर डालने आए हैं, और यह लगातार आ रहे हैं ट्यूब पर तैर कर आते हैं जान जोखिम में डालकर। यहां पर क्या कहना है गाँव रहीमपुर खेड़ी का, आपको सुनाते हैं किसानों का जो ट्यूब पर तैर कर अपना वोट डालने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, आपको किस तरह की परेशानियाँ होती है और यहाँ पर आज वोट डालने आए हैं, कैसी परेशानी? तो यहाँ काफ़ी दिनों का है, 20 दिन का जमना यहाँ आ गई। हमारा जो एरिया रकबा सारा रहीमपुर खेड़ी का वो जमुना का दूसरी तरफ है, यूपी की तरफ, वहाँ का आन जान में बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ कोई फुटपाथ या लक्ष्मण झूला जैसा कोई पुल बनाया था कोई सरकार, तो धन्यवाद हुआ सरकार का। परेशानी तो आप जैसे वोट डालने आते हैं तो ट्यूब पर तैर कर आते हैं वहाँ पर दूसरे गांव से? हाँ, ट्यूब पर तैर गाँव है। कई बार जो ठेकेदारों की नाव हो उसमें भी आ जाने के लगभग मुख्य साधन क्योंकि गाँव में पोलिंग बूथ नहीं है, उस गाँव में पोलिंग बूथ नहीं है, वोट भी कम है। करीब 200 के लगभग वहाँ पर वोट रहे रहते हैं, करीब 200 वोट जो यहाँ इस मिर्जापुर में 1 किलोमीटर दूर गांव आते हैं वोट डालने आते हैं जो 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर चाहते हैं कि पुल बन जाए तो इनको कोई दिक्कत कोई सुविधा मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट का पुल ना बना तो पगडंडी का पुल बन जाए वो बहुत। वोट मांगने के लिए भी नहीं जाते उस गाँव में कोई नेता? वोट मांगने कैसे जाएंगे, यूपी से जाना पड़ेगा जमुना पुल से। यमुना के टापू पर बसा है तो वोट डालने नेता भी नहीं आते गाँव? नेता भी नहीं आते, लेकिन आप अपना फर्ज निभा रहे हैं वोट डालने इस गांव में आ रहे हैं दूसरे गांव में? हाँ, हम अपना नेता चुनाव में खतरे यहाँ पर। ग्रामीणों का कहना है कि इनका गांव जो रहीमपुर खेड़ी यमुना नदी के टापू पर बसा हुआ है, दूसरे गांव पोलिंग बूथ है इनका रहीमपुर खेड़ी का मिर्जापुर गाँव में, जहाँ अपने मिर्जापुर में वोट डालने आते हैं, लेकिन नेता भी इनके गाँव में वोट डालने वोट मांगने तक नहीं आते। यह गाँव रहीमपुर खेड़ी के ग्रामीणों का, ये उमेश त्यागी की रिपोर्ट।